वेलकम टू टूर्नामेंट का मैच थर्ड रंगीली मैप। हमारे पास 9 टीमें हैं, 35 प्लेयर्स। टीम सोस, टीम आईटी, टीम दत्ता, टीम वेनम, टीम सेवन, टीम रेज, टीम टीडब्ल्यू, टीम टीडीएम एंड टीम अल्ट्रा। प्लेन जाएगा नोवो की ओर से जाराकी की ओर। मे भी हॉट ड्रॉप देखने को मिले, हमें पहुंचेंगे ना वो मिलिट्री बेस है जोर जो बोल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा सारी टीम्स के लिए ये, क्योंकि इसके बाद जो फाइनल मैच होगा टूर्नामेंट का, उसमें ये बहुत मदद करेगा थर्ड मैच के विनर जो होंगे या टॉप थ्री जो होंगे उनके लिए। अभी तक नंबर वन पोजीशन पे है हमारी टीम टीडीएम। टीम्स ने ड्रॉप ले लिए हैं, टीम नोवो कोई नहीं गई है, टीम अल्ट्रा रही है मिलिट्री बेस की ओर। टीम अल्ट्रा के साथ एक और टीम आई है, टीम आईटी, जो कि मेन ड्रॉप है आईटी का मिलिट्री बेस। टीम सेवन मिल्टा पावर की ओर गई है, टीम रेज भी मिल्टा गई है और टीम टीडब्ल्यू गई है हमारी प्रिजन की ओर। टीडब्ल्यू का एक प्लेयर प्रिजन की ओर है बाकी कोचिंग की। टीम सेवन अकेली टीम गई है इधर मिल्टा की ओर, मिल्टा पावर में नोट करेगी वो। टीम टीडब्ल्यू के दो प्लेयर बॉल फ्राजा और टॉफी आए हैं प्रिजन, और दो प्लेयर आए हैं मैनफोर्स और टी डब्ल्यू काजी आई है पोचिंग की। टी डी एम जा रही है स्नाया, टीम दत्ता जा रही है शूटिंग रेंज या सवर्नी। टीम सोस और वैनम हमेशा की तरह सेम ड्रॉप लेती हुई अपने दोनों जॉर्जिया सिटी मेन ड्रॉप से इनकी टीम वैनम की और टीम सोस के, और टीम सोस और वैनम की ज़्यादातर फाइट्स देखने को मिलती ही है हमें। यहाँ से कोई टीम लास्ट में एक ही टीम बच के जाती है, यहाँ से बहुत मुश्किल से फॉल बैक करती हैं दोनों ही टीमें। लेकिन ये टीम सोर्स के लिए काफ़ी क्रिशियल मैच होगा, तो शायद यहाँ से टीम सोर्स के प्लेयर्स फॉल बैक कर लें। सोर्स के एग्री पिस्टल वे किल करने की सोच रहे हैं टीम वैनम के हंटर को। वैनम सौरभ के पास काफ़ी अच्छी लूट हो गई है, उनका डीपी मिल गई है और डीपी एंड यूजी। वैनम हंटर के पास है स्टॉल के, वैनम छाप के पास है थॉमसन, वैनम सैजी के पास भी स्नाइपर का 98 एंड यूजी है। एग्री को अभी तक M16 4A ही मिली है। सोर्स दूर के पास UG WG है उनके पास, सोर्स पर्थ के पास M16 4A एंड अतीत के पास अच्छी लूट कारल एंड AKM के साथ। बाकी सारी टीम सेफली लूट करेंगी। एक टीम आईटी की फाइट हो सकती है टीम अल्ट्रा से। टीम आईटी और अल्ट्रा दोनों मिलिट्री बेस किसी बिल्डिंग्स में काफ़ी करीब है। टीम आईटी बहुत जोड़ कर रखी है, टीम अल्ट्रा पाशा रश कर रहे हैं उनके ऊपर, FPP कर लूट कर रही हैं इंट्रा पाशा। मिस्टर आलम ये हमारे चाइनीज भाई आईटी के थोर TPP लिए खड़े हैं। यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स आता है इंट्रा पाशा ना आई थिंक स्पोर्ट कर लिया आईटी के थोर को। आईटी के रोय ने एक प्लेयर नॉक कर दिया, उनका चाइनीज प्लेयर नॉक कर दिया गया है। इंडियंस को चाइनीज से द्वारा आजकल काफ़ी दुश्मनी भी चल रही है। आईटी के थोन ने मुंसा आलम को पिक कर लिया है, दो प्लेयर बचे हैं। टीम आईटी रश करती हुई आईटी रोड आईटी ने अल्ट्रा को भी नॉक कर दिया है और टीम आईटी ने फिनिश कर दी पूरी पूरी टीम। आईटी रोय को मिलता हुआ एक किल, गोडवाईटी को दो किल और आईटी थोर को एक किल। टीम आईटी फिनिश करती हुई इधर टीम अल्ट्रा को, पहली टीम एक्सिल लेती हुई टीम अल्ट्रा 9th पोजीशन पर। टीम आईटी के होते हुए 4 किल चलते हैं टीम वैनम और टीम सोस की ओर। बाकी सारी टीम सेफली लूट कर रही है, टीम दत्ता सबर नहीं लूट रही है, टीम TDM या स्नाया लूट रही है, टीम TW के दो प्लेयर प्रिजन और दो प्लेयर पोचिंग की लूट कर रहे हैं। टीम नंबर 8 मिल्टा पावर लूट के, टीम 7-8 जो है वो मिल्टा पावर लूट के मिल्टा की फैक्ट्री लूट रही है और मिल्टा मैन मिल्टा लूट रही है टीम रेंज। टीम सोस अपार्टमेंट्स ही लूट रही है, कंपाउंड्स की ओर गए हैं सोच के डरू फ्लैंक किया है उन्होंने। वैनम के हंटर, वैनम के सौरभ, वैनम की टीम थोड़ा फॉल बैक कर चुकी है, पीछे वाली सिटी पहुंच चुकी है काफ़ी प्लेयर्स उनके। यहाँ सैद भी बिल्कुल फॉल बैक करते हुए टीम कॉल देते हुए अपने प्लेयर्स को, वैनम हंटर भी टीम को उसके मुताबिक फॉल बैक करते हुए पूरा
नहीं लेना चाहते, उनका पहला गेम थोड़ा ख़राब गया था, लेकिन सेकंड गेम में उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की है, सेकंड पोजीशन पर आए हैं वो दोनों मैचों के टेबल्स, पॉइंट टेबल्स में। बट उधर टीम सेवन की टीम रेस से फाइट हो सकती है, रेस हिटमैन काफ़ी करीब है टीम सेवन के प्लेयर्स के, या सेवन के गॉड फादर उन्हें सपोर्ट करेंगे रेस के हिटमैन को। अभी दोनों ही टीम्स लूट कर रही हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं एक दूसरे पर। रेस के हिटमैन व्हीकल लेके आए हैं लूट करने के लिए, सोलो हैं वो, उनकी टीम बाकी पूरी पीछे की ओर है। टैक्स के गॉड फादर अब धीरे धीरे लूट करने के लिए वो भी पीछे हो जा रहे हैं। रेस के हिटमैन शायद अगर उन्होंने कार पिक करके आगे कंपाउंड लूटने की सोची तो टैक्स के गॉड फादर से फाइट हो सकती है उनकी। रेस के हिटमैन पर अभी कोई इतनी अच्छी गन भी नहीं है, पता नहीं रेस के हिटमैन करना क्या चाहते हैं, विदाउट गन खेल रहे हैं फिलहाल तो। एक कैम उनके पास अभी भी पिक किया उन्होंने कैम, रेस का हमारा जो भी दिखाई नहीं किया। काफ़ी टीम को जोन में रोटेशन डालना होगा, टीम रेड निकल चुकी है जोन के लिए, टीम सेवन भी जल्दी जोन के लिए निकलेगी, टीम आई टी भी एक अच्छी लूट करके मिलिट्री बेस से अब जोन के लिए आ जाएगी। टीम वॉल्फ के दो प्लेयर को भी जोन में जाना बाकी, और टीम टी डब्ल्यू के टीम टी डी एम या स्नैप ओलियन लूट कर कर आएगी जोन में। टीम वैनम उधर पीछे से फॉल बैक कर रही है, तो टीम सोच शायद उन्हें निकलने नहीं दे रही, इस बार पूरा सपोर्ट करके रखा है टीम वैनम के प्लेयर्स को। तो जरूर लूट करते करते करीब जाने की कोशिश करते हुए वैनम के साथ अभी भी रुके हुए हैं पीछे की ओर, वैनम के हंटर तो काफ़ी पीछे हैं, वैनम के सौरभ भी काफ़ी पीछे हैं, वैनम के सैज भी काफ़ी दूर निकल चुके हैं इनसे, वैनम के साथ ही हैं जो काफ़ी करीब हैं टीम सोस के। जल्दी उन्हें अपनी टीम को ज्वाइन करना होगा वरना टीम सोच उन पर भारी पड़ सकती है। वैनम के सैजी लेफ्ट से फ्लैंक करके आ चुके हैं बट काफ़ी दूर हैं वो, अभी तो वेयर हाउस भी नहीं पहुंचे हैं वैनम के सैजी। वैनम के साथ भी प्रोन है वो, फुटपेट नहीं देना चाहते टीम सोच के प्लेयर को, टीम सोच के प्लेयर काफ़ी दूर है। अतीफ एक होल्ड कर रखा है अतीफ ने अपार्टमेंट, एग्री भी उनके साथ है, डोरू और पर्थ छोटे दो कंपाउंड्स में है। एयर ड्रॉप नंबर वन हमारा नॉर्मल ड्रॉप आता हुआ रोजोक के पास। टीम टी डब्ल्यू आ रही है उसको पिक करने के लिए, टी डब्ल्यू के प्लेयर पिक करने के लिए आ रही है काजी और मैनफोर्स। ए डब्ल्यू एम इसमें अवेलेबल थी किट, देखते हैं कौन पिक करता है, काजी है मैनफोर्स टीम टी डब्ल्यू के ओम पिक करता है। जी हाँ काजी ने पिक किया है टी डब्ल्यू ए डब्ल्यू एम, बैरल चलाएंगे वो। टीम वेनम ने पूरा दो प्लेयर्स तो टीम वेनम के निकल चुके हैं बट वेनम के साथ अभी भी पीछे अभी रुके हुए हैं, उन्हें जल्दी से फ्लैंक करना होगा। टीम सोच के एग्री थोड़ा पीछे की हो रही है अभी, वो भी टीफ और एग्री पीछे अपार्टमेंट की हो रही है, डोरो और पर्थ भी पीछे की हो रही है, फाइट नहीं लेना चाहते वो। टीम सेवन मिल्टा लूट मिल्टा पावर लूट रही है, टीम ले जा चुकी है पोचिंग की जोन में, रोजोक में आ चुकी है, रोजोक के आई थिंक स्क्वाड हाउस होल्ड कर लिया है टीम टी डब्ल्यू ने। यहाँ स्क्वाड हाउस होल्ड कर रखा है टीम टी डब्ल्यू ने। टीम वैनम की फाइट देखने को मिलेगी अभी शायद टीम सोस से, ये वैनम की टीम इतना फॉलो बैक नहीं कर रही है, वो रोटेशन डाल रही है टीम सोस को फंसने की कोशिश कर रही है अपने जाल में, जैसे ही कल भी किया था पूरा रोटेशन डालने के बाद उनके आगे जोन मार के खड़ी हो गई थी और टीम सोस को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया था। वैनम के सौरभ और वैनम के हंटर जाते हुए हिल के पास, टीम वैनम के चारों प्लेयर चार तीन साइड में है, अब टीम सोस को तीन चार तरफ से पड़ सकती है टीम वैनम की। वैनम के सैजी हैं हमारे वेयर हाउस की साइड, टीम वैनम के साथ सिक्स हाउस,
एंटी वेनम के 16 और हंटर हैं हिल पे टैंक वेटर टैंक के पास, व्हीकल से फेंक किया है इन्होंने। सो उसकी पर्त का ध्यान है सोर्स वेनम के साथ के पास। यहाँ टीम सोर्स का पूरा ध्यान वेनम के साथ के ऊपर बना हुआ है, बाकी टीम प्लेयर्स पर उनका कोई ध्यान नहीं है, उन्हें नहीं पता कौन से प्लेयर ने कब रोटेशन डाली है। ड्रॉप नंबर 2 प्लेयर ड्रॉप टीम नंबर 20 मंगाती है, इधर टीम टीडीएम मंगाती है प्लेयर ड्रॉप। प्लेयर ड्रॉप नंबर 2 हमारा, प्लेयर ड्रॉप नंबर 1 टीडीएम। ये लूट के आइए यसनाया में प्लेयर लेकर आइए। ओम एंड गिरोजा विद लेवल 3 है, हेलमेट वेस्ट एंड गिली सूट है प्लेयर ड्रॉप में। देखते हैं कि उन टीम नंबर 20 का कौन सा प्लेयर इसको पिक करता है। आई थिंक विशाल पिक कर सकते हैं स्नाइपर, कल उनके डीएमआर काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे थे टीडीएम के विशाल। रोकसुप पहुँचे सबसे पहले ड्रॉप पे, लेवल 3 पिक कर लेंगे रोकसुप। तो या रोकसुप ने लेवल 3 पिक कर ली है, रोकसुप ने गिरोजा भी पिक कर लिया है टीडीएम के विशाल ने। ओम पिक नहीं करी जिन्हें, उन्होंने ओम पिक नहीं किया है टीडीएम की। गुरुजी ने भी ओम पिक नहीं करी। चारों प्लेयर्स में से किसी ने भी ओम पिक नहीं करी है। टीम आईटी आती हुई इनके ऊपर पुश करती हुई, टीम आईटी प्लेयर ड्रॉप पर आती हुई सीधे सीधे। अब टीम आईटी वर्सेस टीडीएम होता हुआ, टीम आई टी अगर यहाँ से अर्ली एग्जिट ले लेती है तो बहुत ख़राब होगा। बट टीम आई टी को पीछे से पड़ता हुआ टीम टीम डब्ल्यू के काजी का, आई टी तौर को ओम का फटका पड़ता हुआ, नोक किया आई टी डब्ल्यू के काजी ने। क्या फिनिश देखने को मिलेगा यहाँ पे? फिलहाल तो व्हीकल के कमरे में पहुँच चुके हैं आई टी के तौर। आई टी रोन को भी टी डब्ल्यू काजी ने स्पोर्ट कर लिया है, 1 HP छोड़ा है उनको भी, शॉट अच्छा कनेक्ट हुआ टीम डब्ल्यू के काजी का। क्या टीम आई टी के तौर बच पाएंगे, इधर रिवाइव हो पाएंगे कि नहीं देखते हैं। आई टी के रोए आई थिंक आ रहे हैं उन्हें रिवाइव देने के लिए, स्मोक किया है आई टी के रोए ने। बट अगर वहाँ पर कार फटती है तो फिनिश कर दी जाएंगे। आई टी के रोन हो चुके हैं, 1 HP हैं वो, काफ़ी रिस्की होगा ये रिवाइव। टीम टी डब्ल्यू को जल्दी से कार फाड़ देनी चाहिए थी तो शायद फिनिश देखने को मिलता है इधर टीम आई टी का प्लेयर। टीम आई टी के रोन रिवाइव देकर फॉल बैक कर चुके हैं, आई टी के थोर हील अप होकर भी फॉल बैक कर लेंगे। जी हाँ, टीम आई टी के चारों प्लेयर बचते हुए अब आईटी के थोर को एक अच्छा रिवाइव दिया आईटी के रोन ने। पीछे टीम टीडब्ल्यू है, टीडब्ल्यू काजी ने आईटी को आईटी को नॉक कर दिया है। ओम का फटका देते हुए टीडब्ल्यू के काजी, एक अच्छी ओम चलाते हुए टीडब्ल्यू के काजी। टीम 7-8 भी यहीं से मार रही है फ्लैंक, जो रोटेशन डाल रही थी टीम 7-8 भी। 4 टीम्स हो गई हैं, हमेशा की तरह जब यहाँ पर फाइट चलती हैं तो 2-3 टीम्स के बीच ही चलती हैं, वरना फाइट्स नहीं होती हैं। लड़ा भी पूरा जाल विचार रखा है टीम वैनम ने भी टीम सोस के ऊपर, उधर भी देख उधर भी काफ़ी अच्छा जाल विचार रखा है। पीछे टीम टी डब्ल्यू, बीच में टीम आई टी, इधर टीम टी डी एम खड़ी है उनके। टीम 7 तो वहाँ से निकल चुकी है, फॉल बैक कर चुकी है। टीम आई टी के रोए को नॉक करते हुए टीम ओपी रोक शुभ के यहाँ पर टीम टी डी एम पुश करेगी। नहीं फिलहाल तो रोक शुभ नेट कर रहे हैं, क्या ये नेट कनेक्ट होगा? ये आई टी के थोर से काफ़ी करीब है, आई टी के रोन भी करीब हैं। रोक शुभ का नेट एक अच्छा नेट आ सकता है इधर। आई टी के रोए रिवाइव तो हो चुके हैं, हीलअप हो रहे हैं, या वो हीलअप भी हो चुके हैं आई टी के रोए। 162 मीटर दूर में है जोन से वो। टीम दत्ता वर्सेस टीम 7 देखने को मिल सकता है हमें। टीम 7 जोन में कर रही है रोटेशन डाल रही है वो, टीम दत्ता ऑलरेडी इन द कंपाउंड मौजूद। और टीम दत्ता ने कोई फायर नहीं दिया तो अभी कोई फायर नहीं देखने को मिलेगी हमें। 31 प्लेयर्स 8 टीम में अभी भी अलाइव हमारी। आई टी गोड वाई टी ने एक प्लेयर नॉक कर दिया है, रोक सुबह आई थिंक नॉक किया गया है। टीम टी डब्ल्यू अभी भी बैठी हुई है, क्या आई टी यहाँ पर रश करेगी? यहाँ रोक सुबह ने आई टी रोन को नॉक किया है। टीम आई टी का पुछाता हुआ इधर अंदर अंदर स्प्रे देते हुए आई टी के थोर, आई टी के रोन नोक जरूर हैं। रोक टू ने आई टी रोए को भी नोक कर दिया है। टी डब्ल्यू मैन फोर्स ने ड्रैको क्रिश को नोक कर दिया। टीम टी डब्ल्यू यहाँ से किल निकाल सकती है, पर टीम आई टी के थोर की एक थोड़ी सी अच्छी सोच, अपने टीम टीममेट्स नोक है तो प्लेयर्स को रिवाइव देने के लिए आ गए हैं टीम आई टी के रोए थोड़ सॉरी। बट के यहाँ पर रोक सुबह ने रिवाइव होने देंगे।
बहुत मुश्किल घड़ी है टीम आईटी के, थोर के लिए, टीम आईटी के लिए। रॉक्स तो फिलहाल तो फिनिश करेंगे आईटी रोन को, रिवाइव हो जाएंगे आईटी रोए। जी हाँ, आईटी रोए रिवाइव हुए हैं। रॉक्स तो बन को नॉक कर दिया है आईटी के थोर ने, फिनिश भी कर दिया आईटी के थोर ने रॉक्स को। ओपी गेम प्ले बाय आईटी थोर। टीम आईटी के थोर अकेले बचे हुए हैं, हिल अप होना जरूरी है उन्हें। पीछे से आते हुए तीन टीम प्लेयर टीडीएम के, बट टीम टी डब्ल्यू वहाँ से निकालती हुई, टी डब्ल्यू के काजी गाम का फटका पड़ता हुआ आईटी के तौर को। टीम टी डब्ल्यू ओपी गेम प्ले दिखाती हुई इधर, टी डब्ल्यू काजी को मिलता हुआ पहला किल। टीम टी डी एम बची है, टीम आई टी फिनिश हो चुकी है यहाँ से। टीम टी डी एम इस तीन किल से उनके पास अब रोकसुब उनके फिनिश हो चुके हैं। बाकी प्लेयर्स को जोन में जाना बाकी। एयर ड्रॉप नंबर फोर नॉर्मल ड्रॉप हमारा आया है, ये भी स्कूल के पास। इसमें भी ओम है, आज काफ़ी ओम्स देखने को मिली हैं, चार ड्रॉप्स में ओम आई हैं अभी तक। टीम वेनम अभी तक वेट कर रही है उधर जॉर्जियापुल सिटी में। टीम सोस वर्सेस वेनम स्टार्टिंग से ही देखने को मिल रहा है हमें, वेनम के साथ काफ़ी टाइम से खड़े हैं वो विदाउट एनी फुटप्रिंट दिए हुए। वेनम के हंटर भी हिल पे हैं, वेनम के सौरभ भी हिल पे हैं, और वेनम के सैजी धीरे धीरे कर कर एक अच्छे हिल रिज पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल तो टीम सोस जोन में है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है उन्हें। एग्री सोस डोरू स्टार्टिंग से उसी जगह, सोस डोरू और पर्थ भी हैं। अतीफ एंड एग्री थोड़ा राइट से फ्लैंक करते हुए वो, अगर वैनम के साथ स्पॉट होते हैं तो उनके लिए काफ़ी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वैनम के साथ अकेले हैं यहाँ पे फोर हाउस में। और टीम सोस है उनके दोनों तरफ, इधर सोस डोरू और सोस पर्थ हैं, और पीछे की ओर है अतीफ एंड एग्री। क्या निकलते हैं कॉल, टीम टी डी एम वहाँ से फॉल बैक कर चुकी है टीम आई टी को फिनिश करने के बाद। टीम दत्ता शायद उनकी फाइट होती है। टीम सेवन पहुँच चुकी है जॉर्जो सिटी में, टीम रेज पोचिंग टीम में ही है, स्क्वाड हाउस होल्ड कर रखी है उसने। टीम वैनम के साथ ने आई थिंक स्प्रे दिया था, जी नहीं, टीम वैनम के साथ ने कोई स्प्रे नहीं दिया, एग्री ने स्प्रे दिया था शायद वैनम की सैजी पे। जोन कट चुका है 384 मीटर दूर जोन से टीम सोर्स, वैनम भी टीम जोन से दूर है। टीम सोस के पास विदाउट व्हीकल है, टीम सोस पूरा जोन बन चुका है जॉर्जियापुल एंड सिटी में, दो ही कंपाउंड्स। जॉर्जियो स्क्वाड हाउस काफ़ी मेन रहेगा उधर। अब सारी टीम्स को जोन में रोटेशन डालना बाकी, एक टीम सेवन ही ऐसी इन द जोन है। वैनम के साथ को अतीफ ने स्पोर्ट कर लिया है। टीम रेज डालते हुए रोटेशन जोन के अंदर, वैनम के सौरभ चलाते हुए डीपी, डीपी का स्प्रे पड़ा उन्हें। सोस तो पर्थ को नॉक करना चाहते थे वो, बट सोस पर्थ ने भी एक अच्छा सोस पर्थ करते हुए मोली वेनम के ऊपर। वेनम हंटर को क्या इसका डैमेज पड़ेगा, नहीं पड़ा जी, कोई डैमेज नहीं पड़ा। सोस पर्थ अभी भी सोस पर्थ स्मोक करते हुए, वेनम के दो प्लेयर्स एक साथ हैं, वेनम के सैजी थोड़ी दूर है उनसे। अगर यहाँ पर टीम सोस का कोई प्लेयर नॉक होता है तो वैनम का एक अच्छा पुश देखने को मिलेगा हमें। यहाँ एग्री जाते हुए ओपन में टीम वैनम के सैजी का स्प्रे जरूर पड़ेगा उनके ऊपर। एग्री और अतीफ जाते हुए, अतीफ को काफ़ी स्प्रे पड़ा है, लो एच पी बचे हुए हैं अतीफ। वैनम के साथ थोड़ा फॉल बैक करते हुए पीछे की ओर जंप कर लिया है उन्होंने, उधर वैनम की सैजी उन्हें कवर दे सकते हैं। अतीफ लो एच पी हैं, रिवाइव हो हील अप हो सकते हैं इजली, यहाँ वो हील अप हो रहे हैं। एग्री भी हील अप हो रही हैं वैनम के साथ, तो एग्री स्पोर्ट कर चुके हैं। बट उधर से वैनम की सैजी लगातार अपने प्लेयर को एक अच्छा कवर फायर देते हुए, वैनम के शार्प सोलो हैं बट उनके पीछे वैनम की सैजी को भी हम मानेंगे। एग्री यहाँ से क्या कदम उठाते हैं देखते हैं, एग्री ने पूरा स्पोर्ट कर लिया है उनको, अतीफ ने भी स्पोर्ट कर लिया है, बट पीछे से थोड़ा डर रहेगा उनका वैनम के सैजी का। वैनम के साथ लेफ्ट जाते हुए थोड़ा सा घबराए थे वो, वैनम के सहजी ने सोच डोरू को नॉक कर दिया है। वैनम के साथ कपूर जरूर देखने को मिलेगा उन्हें, जी हाँ, सोच डोरू को क्या नॉक दे पाएंगे, क्या वैनम के साथ एग्री को भी नॉक कर देंगे, लेट्स सी। वैनम के साथ ने काफ़ी, जी हाँ, वैनम के साथ काफ़ी करीब है उनके, लेट्स सी क्या होता है। अतीफ जो है उनके अभी लगातार कवर फायर दे रहे हैं, टीम सोच के प्लेयर रिवाइव हो रहे हैं। वैनम के साथ का एक अच्छा नॉक यूजी से देखने को मिला हमें, जंप नॉक, जंप नॉक। टीम वैनम ने सोस के तीन प्लेयर नॉक कर दिए, सोस पर था अकेले बचे हुआ प्लेयर, क्या टीम सोस का पर्थ यहाँ से फॉल बैक कर पाएगा या टीम वैनम के हाथों मर जाएगा।
टीम सोस को अगेन फिनिश ऑफ करती हुई, अगेन टीम सोस को फिनिश करती हुई टीम वेनम। सोस पर अकेले बचे हुए फुटप्रिंट नहीं देना चाहते हैं वो। एक अच्छी सोच होगी कि यहाँ से टीम सोस के पर्थ फॉल बैक कर पाएंगी। टीम वेनम अगर यहाँ से बिना फाइंड करे वहाँ से निकल जाती है तो टीम सोस के पर्थ भी निकल सकते हैं। एयर ड्रॉप नंबर 5 हमारा आया था शूटिंग रेंज के पास, नॉर्मल ड्रॉप ओम थी इसमें, तो किसी ने पिक नहीं की, आई डोंट नो वाई। लेवल 3 तो यहाँ पे पिक कर लिया गया है। टीम TDM शूटिंग रेंज के स्क्वाड हाउस पहुँच चुकी है, पूरा जोन बनता हुआ टीम TDM के ऊपर। ये नहीं एयरप्लेन के पास एयरपोर्ट वाले कंपाउंड होल्ड कर रखे हैं इसमें, सारी टीम्स को जोन में जाना बाकी। स्क्वाड टीम में 23 प्लेयर्स, काफ़ी छोटे सर्कल फाइट्स देखने को मिलेंगी हमें काफ़ी। टीम वेनम आई थिंक फाइंड कर रही है टीम सोर्स के सोलो प्लेयर जो बचे हुए हैं सोर्स के पर्थ। काफ़ी डैमेज पड़ेगा दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स को। वेनम टीम तो कॉल बैक कर सकती है, कर भी रही है, वो इजीली जा सकती है इन द जोन। वेनम शायद अभी भी टीपी पे लिए खड़े हुए हैं, सोच के पर्थ निकलेंगे क्या, देखते हैं। वेनम शायद अभी तो टीपी पे लिए खड़े बैठे हुए हैं ब्रोकन बॉल पे। वेनम के हंटर पहुंच चुके हैं व्हीकल पे, वेनम के सौरभ भी इन द जोन पहुंच चुके हैं जोड़ जो पुल में, वो वेनम के सैजी भी जोन कवर कर रहे हैं। वेनम के साथ काफ़ी लेट निकले हैं जोन के लिए, बट वो भी कवर कर लेंगे जोन। वेनम के हंटर उन्हें उठाए पिक करेंगे। जी हाँ, टीम वेनम यहाँ से निकलती हुई जोन के लिए। अब 40 सेकंड बाद काफ़ी डैमेज पड़ेगा क्या टीम सोर्स के पर्थ निकल पाएंगे यहाँ से इन द जोन। फिलहाल तो वेट करेगी टीम वेनम के प्लेयर्स, टीम सोर्स के प्लेयर का ना पता है इधर से फ्लैंक कर सकता है वो प्लेयर। बस सोर्स के पर जाते हुए पीछे से एक अच्छी सोच, उनके पास व्हीकल है तो वो इजली निकल सकते हैं, क्या उन्हें व्हीकल मिलेगी सोर्स के पर्थ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा विदाउट व्हीकल जाना जोन में। बाकी हमारी सारी टीम्स इन द जोन हो चुकी हैं, टीम TW के प्लेयर एज पे हैं, उधर टीम रेज जा चुकी है। टीम TW के मैन फोर्स नॉक करते हुए कार से एवन बिफोर जी लानी। यहाँ टीम TW का प्लेयर यहाँ सोलो है, रेज के हेडमैन फिनिश करेंगे TW की मैन फोर्स को। TW के प्लेयर्स बाकी व्हीकल से फ्लैंक कर रहे हैं TW के काजी और तूफी। TW काजी काफ़ी लो एचपी बचे हुए हैं, टीम रेज को फंसाता हुआ फजलों भी नॉक करते हुए उनको, काजी नॉक होते हुए वल्फराजा नॉक होते हुए अकेले टॉफी बचे हुए हैं TW के लिए। टॉफी ने रेजिस्टमेंट को जरूर नॉक किया था, पर टीम 7 निकालते हुए थे थर्ड पार्टी में खेल, टीम 7 ही गोल्ड पाता थर्ड पार्टी करते हुए। 1v4 जिलानी से नॉक हुई उधर, टीम रेज भी काफ़ी मुश्किल में फंस चुकी है अब। 1v4 जिलानी सोलो प्लेयर बचा हुआ है अपनी टीम के लिए, रिवाइव फिलहाल तो दे रहा है वो, देखते हैं कि यहाँ पर ऑल प्लेयर्स रिवाइव हो पाएंगे हिलअप हो पाएंगे क्या। टीम रेज के टीम 7 के लिए एक अच्छा टाइम है ये पुश करने के लिए, क्या टीम 7 यहाँ पर पुश करेगी या टीम 7 ने कोई ज़्यादा देर नहीं करी है। टीम 7 ने यहाँ पर पुश कर दिया है, फजलू फजलू रिवाइव तो हो गए हैं, क्या हील हो पाएंगे। टीम 7 के दो प्लेयर हैं जीते हैं, 7 days ने फजलू को नोक कर दिया है, 1v4 ने नहीं आया उसको नोक कर दिया, अरमाना सन ने नहीं आया उसको फिनिश कर दिया। टैक्स के 7 days भी नोक हो गए हैं, एक अच्छा गेम प्ले टीम रेज का देखने को मिला हमें। फिर से दो प्लेयर नॉक है, रिवाइव हो रहे हैं टैक्स के गॉडफादर पीछे की ओर है, प्लेन जोन से फिनिश होते हुए सोर्स के पर 6th position पर टीम सोर्स फिनिश अप लेती हुई। टीम वैनम उन गेम के एस पहुंच चुकी है, टैक्स के गॉडफादर ने 1v4 जिलानी और रेज हिटमैन दोनों को नॉक कर दिया है। रेज हिटमैन नॉक पड़े हुए हैं और 1v4 जिलानी भी नॉक पड़े हुए हैं, रिवाइव हो रहे हैं जिलानी को। थोड़ी देर टीम फजलू ने फिनिश कर दिया है DP से टैक्स के गॉडफादर को, 7 के गॉडफादर को। अच्छे गेम प्ले टीम रेज देखने को मिला, 6 kills के साथ आगे बढ़ेगी टीम रेज। टीम TDM के पास है 3 kills 3 players के साथ जो उनकी एज पे खड़ी है टीम TDM, पीछे से रेड पार्टी कर सक इजिली किल कर सकती है टीम रेज ने। टीम वेनम के पास भी 3 kills हैं, एक रिच के कवर से खेलती हुई टीम वेनम, वेनम के सैजी देते हुए स्प्रे, शायद टीम TDM के प्लेयर्स को पड़ रहा था ये स्प्रे जो उनकी एज में है वो। टीम दत्ता कंपाउंड एक अच्छे घर पर होल्ड कर रखी है, स्क्वाड हाउस होल्ड कर रखी है टीम दत्ता ने, तो टीम दत्ता इन द जोन है, अगर जोन में है तो काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए, बट आउट ऑफ द जोन है वो, 36 meters दूर है जोन से। टीम दत्ता को जोन में जाना बाकी विदाउट व्हीकल, अगर उस आज वो विदाउट व्हीकल चले तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है टीम दत्ता के लिए। टीम TDM यहाँ से फ्लैंक कर रही है जोन के लिए, रोटेशन कर रही है TDM के ड्रैक को क्रिश और विशाल एंड गुरुजी।
एयर ड्रॉप नंबर 6 आता हुआ हमारा नॉर्मल ड्रॉप अगेन, इसमें भी आज की ओम देखने को मिलेगी, यानी ओक देखने को मिली है। टीम वेनम का स्प्रे पड़ता हुआ टीम टीडीएम के ऊपर, वेनम के साथ स्प्रे करते हुए टीम टीडीएम आ चुकी है, ये भी रिच कवर कर चुकी है टीडीएम। टीडीएम वर्सेस वेनम एक अच्छी फाइट देखने को मिलेंगी हमें इधर। टीडीएम की गुरुजी और विशाल पहुंच चुके हैं, बट उन्हें पीछे से पड़ता हुआ वेनम के साथ जिन्हें टीडीएम विशाल को नॉक कर दिया है। टीडीएम के गुरुजी अकेले बचे हुए हैं इधर, टेको किरीशन से दूर हैं। टीडीएम के गुरुजी हिलाप होते हुए जोन का डैमेज काफ़ी खाएंगे यहाँ पे, जोन का डैमेज मिल रहा है उन्हें। टीडीएम के गुरुजी भी नॉक देखने को मिलेंगे हमें, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बहुत बुरी बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए टीडीएम के प्लेयर्स, सॉरी वेनम के प्लेयर्स, वेनम के प्लेयर ने दोनों कर दिए टीम टीडीएम के। अकेले ट्रैको क्रिच बच पाए हैं, वो अकेले व्हीकल से थे तो उनकी व्हीकल खराब नहीं हुई है। चार टीमें 14 प्लेयर्स बचे हुए, प्ले जोन से फिनिश होते हुए टीडीएम विशाल। टीम दत्ता चारों के प्लेयर्स के साथ अलाइव है अभी, टीम वेनम भी चारों प्लेयर्स के साथ अलाइव है, टीम रेज एक अच्छे किल 6 किल के साथ चारों प्लेयर्स के साथ अलाइव है। टीम रेज के ने ऑफ पिक कर ली किसी प्लेयर ने, उधर टीम दत्ता का स्प्रे पड़ता हुआ टीम रेज के ऊपर। टीम वेनम के सामने जाती हुई टीम रेज, टीम वेनम वर्सेस रेज देखने को मिलेगा यहाँ। वेनम के पास एक अच्छा होल्ड कर रखा है वेनम ने, उधर यहाँ पर अगर बचती है तो टीम रेज पूरी देखने को मिलेगी हमें। यहाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल में फंस चुकी है टीम रेज, अरमान पाशा बचे हुए हैं उनके और रेज हिटमैन। रेज हिटमैन अभी व्हीकल में बैठे हुए हैं तो रेज हिटमैन शायद ऑफलाइन है, रेज हिटमैन फिनिश कर देगा टीम वेनम के लिए। टीम वेनम को ओपी गेम प्ले नो किल हुए हैं टीम वेनम के, एक खराब ड्राइविंग टीम रेज की तरफ से अच्छे गेम प्ले दिखा रही थी टीम रेज। इधर वेनम ने नो किल्स निकाले हैं, ओपी गेम प्ले बाई टीम वेनम। वेनम की शाद हंटर्स और अब दो दो किल के साथ, और वेनम की शायद 3 किल के साथ इंटीडियम के ट्रैक को क्रिस अकेले बचे हुए हैं, 3 किल्स उनके पास। टीम दत्ता चारों प्लेयर के साथ लाइव है, दत्ता जी ने पिक किया है ओग, जोन कवर कर रहे हैं वो विदाउट व्हीकल हमेशा की तरह। कैंपर रिशु को नॉक करते हुए वेनम के सैजी, रैम्बो वेनम के सैजी को नॉक देते हुए M24 से। रैम्बो एक अच्छी गाने एक स्नाइपिंग अच्छी करते हैं रैम्बो भी, टीम दत्ता वर्सेज वेनम ज़्यादा देखने को ही मिलेगा हमें, क्योंकि बस ड्रैको करी सोलो टीम टीडीएम के हैं वो फ्लैंक कर रहे हैं, रोटेशन डाल रहे हैं जोन के अंदर। सामने होगी टीम वेनम के चारों प्लेयर्स, बहुत मुश्किल होगा ट्रैको करिश के लिए इन द जोन जाना, इजली नहीं जा पाएंगे वो शायद, अपनी ने आपको स्पोर्ट नहीं होने देना चाहते इसलिए उन्होंने व्हीकल काफ़ी दूर रोक दी है, आउट ऑफ द जोन रोक दी गई है टीम उनकी व्हीकल। ड्रैको करिश ने वेनम के प्लेयर्स को स्पोर्ट तो कर लिया है, वेनम के प्लेयर्स भी धीरे धीरे जोन में आते हुए, वेनम के साथ ऑलरेडी स्पोर्ट कर रखा था ड्रैको करिश को, ओम का फटका देते हुए वेनम के साथ के पास भी 3 किल होते हुए 10 किल्स हैं। फोर वी फोर वाइड दत्ता की टीम से, टीम दत्ता जा रही है जोन, आ रही है जोन के अंदर। वेनम के अंदर रैम्बो को नॉक करते, वेनम के सौरभ ने नॉक किया है रैम्बो को डीपी के स्प्रे में। टीम दत्ता काफ़ी मुश्किल में फंसेगी, कैंपर इशू भी पिकअप हो चुके हैं, वेनम हंटर कैंपर इशू को नॉक करेंगे M4 के प्लेयर्स का। काफ़ी अच्छा टीम स्पीड देखने को मिला है, टीम दत्ता बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। टीम दत्ता के दत्ता जी ओक चलाते हुए और बचे हुए हैं वो काली जो थोड़े पीछे की ओर हैं, आउट ऑफ द जोन है, एक मिनट बाद उन्हें भी जोन में जाना बाकी होगा। दत्ता जी के पास ओग है, हिल अप होंगे वो, लो एचपी हो चुके हैं, काफ़ी लो एचपी हो चुके हैं दत्ता जी। वेनम के सैजी और वेनिंग में शायद लेफ्ट से फ्लैंग करते हुए वेनम के हंटर और सौरभ, वेनम के सौरभ ने वो काली को भी नॉक कर दिया है। 3 प्लेयर्स नॉक होते हुए टीम दत्ता के, अकेले प्लेयर दत्ता जी बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं, दोनों साइड से पड़ेगी दत्ता जी को भी शॉप देखने को मिलेगा। टीम वेनम के पास एक अच्छे किल्स 11 किल्स हो गए हैं, देखते हैं लास्ट किल कौन लेता है। वेनम के शाद लेंगे लास्ट किल, ओम का फटका देते हुए वेनम के शाद, ओपी गेम प्ले बाय टीम वेनम एक अच्छे किल्स के साथ चिकन डिनर निकालते हुए, 14 किल्स निकालते हुए टीम वेनम। सेकंड पोजीशन पर टीम दत्ता जीरो किल्स, थर्ड पोजीशन पर टीडीएम 3 किल, टीम रेज आती हुई फोर्थ पोजीशन पर 6 किल्स के साथ, टीम सेवन 8 किल्स के साथ फिफ्थ पोजीशन, टीम सो 6 पोजीशन 0 किल्स, टीम टीडब्ल्यू 1 किल 7 पोजीशन, टीम आई टी फिफ्थ पोजीशन 5 किल्स 8 पोजीशन, एंड टीम अल्ट्रा 9 पोजीशन 0 किल्स।